दिल्ली आबकारी मामले में आज के कविता की पेशी होने वाली है। के कविता को ईडी के सामने पेश होना है। पेशी से पहले के कविता के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ लगी है। दिल्ली आबकारी मामले के तार तेलंगाना तक पहुंच चुके हैं। सीएम केसीआर की बेटी के कविता को आज ईडी के सामने पेश होना। तो ईडी ने गुरुवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी उस दौरान भी जिक्र किया था मनीष सिसोदिया के अलावा तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता का। ईडी ने कोर्ट में ये बताया है कि बुच्ची बाबू के बयान से खुलासा हुआ है कि के कविता की विजय नायर से कैसे मुलाकात। के कविता ने दिल्ली में गौरी अपार्टमेंट और हैदराबाद के कोहिनूर में मुलाकात की और इसके साथ ही हैदराबाद में दिल्ली में कैसे ट्रांसफर किए गए हैं पैसे, इस सब का जिक्र ईडी ने कोर्ट में किया था। और के कविता की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है इसको समझने के लिए ही ईडी ने समन भेजा था के कविता को और आज वो ईडी के सामने पेश होने जा रही हैं। 9 मार्च को कविता को पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन कविता ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। कविता ने ईडी से कुछ वक्त मांगा था हालांकि ईडी ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया है। तो आज 11 तारीख है, 9 के बाद अब 11 तारीख को के कविता ईडी के सामने पेश होगी। बाकायदा के कविता के लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है ईडी की तरफ से सवालों की कि कौन कौन से सवालों को एक एक कविता के सामने रखना है तभी जाकर ये पूरा जो मामला है इसको जोड़ पाएगी ईडी। क्योंकि साउथ ग्रुप का जिक्र बार बार हो रहा है और उसको पैसे का भुगतान किया गया, साउथ ग्रुप ने ही नायर को पैसे का भुगतान किया था ये भी जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, कितने बजे के कविता पहुंचेंगी यहां पर? देखिए, अभी जिस जगह पर हम हैं ये के चंद्रशेखर राव का दिल्ली में रेजिडेंस है, इसी जगह पर के कविता अभी है और ये माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास वो घर से निकलेंगी और ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए जाएंगी। हम आपको घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा कर्मियों का जो पहरा है वो भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। बाकी देश भर का जो मीडिया है वो तो आपको तस्वीरों में नजर आ ही रहा होगा। 23 तुगलक रोड है के चंद्रशेखर राव का जो ऑफिशियली सरकारी रेजिडेंस है दिल्ली में, वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी के कविता यहीं मौजूद है और 11 बजे के आसपास वो घर से निकलेंगी पूछताछ के लिए। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के जो कनेक्शन साउथ में जुड़े हैं, जिन भी लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है उनमें के कविता भी एक है और उनको भी पूछताछ के लिए बहुत पहले से ईडी ने नोटिस दिया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया। ब्रह्म प्रकाश, अगर ये समझे कि आज दरअसल के कविता से और जो नायर के संबंध है इन दोनों की मुलाकात का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया है, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो ईडी आज रख सकती है के कविता के सामने? क्योंकि बार बार बेहद महत्वपूर्ण किरदार दिखाया गया है ईडी की तरफ से के कविता को। बिल्कुल, देखिए ईडी एक एक करके पूरी कड़ियां जोड़ रही हैं। पहले मनीष सिसोदिया के से पूछताछ, इसके बाद जो नायर हैं इससे जुड़े हुए और अब के कविता से आमना सामना कराया जाएगा। जो सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे गए, नायर से पूछे गए और वही के कविता से भी पूछे जाएंगे और उनको फिर ईडी अपने लिहाज से वेरीफाई करेगी कि कौन सही बोल रहा है और कैसे कड़ियाँ जुड़ती है, एविडेंस किस तरह से उसमें ईडी इकट्ठा कर सकती है। तो वो सारी कड़ियाँ जोड़ी जाएगी। ये जिस तरह से ईडी की तरफ से कोर्ट में दावा किया गया है कि 100 करोड़ जो है दिए गए इस घोटाले में नायर की तरफ से मनीष सिसोदिया को, तो ये पूरी कड़ियाँ ईडी इस पूछताछ में जोड़ेगी। हालांकि पहले भी जो इस घोटाले से जुड़े लोग हैं उनके कई लोगों से लंबे दौर की पूछताछ पहले भी ईडी कर चुकी है, लिहाजा आप सबूत इकट्ठा करने के लिहाज से इन तमाम जो लोग भी जुड़े हैं उनसे एक एक करके पूछताछ की जा रही है ताकि ईडी कोर्ट में पुख्ता तरीके से रख सके कि दिल्ली में जो शराब पॉलिसी लाई गई थी, लिकर पॉलिसी लाई गई थी, वो एक इंटेंशन के तहत लाई गई थी, उसमें फ़ायदा पहुंचाया गया एक इंटेंशन के तहत किसी को और उसमें घूस दी गई है। तो ये पूरी कड़ी को जोड़ने के लिए अलग अलग लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व है उनसे पूछताछ की जा रही है।
प्रकाश, जिस तरह से जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के बुलाया था तो आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया था। के कविता की तरफ से भी ये पहले स्टेटमेंट आ चुका है कि उनको फंसाया जा रहा है, तो क्या उनके समर्थकों में कोई हलचल आप देख पा रहे हैं कि जब वो निकलेंगी ईडी दफ्तर के लिए? बिल्कुल, देखिए रेजिडेंस पर तेलंगाना से बहुत सारे समर्थक आए हैं और कल हमने आपको जंतर मंतर की भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ बड़ी तादाद में जो है महिला समर्थक वहाँ पर मौजूद थी। हालांकि कल जो धरना था वो था महिला आरक्षण के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस बहाने से एक ताकत दिखाने की कोशिश जरूर के करने की थी, वो जंतर मंतर पर मौजूद थी। और जिस तरह से सरकार पर एक एक करके निशाना साधा गया, तमाम अपोजिशन की जो पार्टियाँ वहाँ पर जुटी, उससे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये एक ताकत दिखाने की कोशिश है पूछताछ के पहले। और आज अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में समर्थक, महिला समर्थक हैं, वो अंदर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले बाहर नारेबाजी भी कर रही थी। हम आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से रेजिडेंस के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। बाहर बाहर की तरफ दूसरी तरफ हम कैमरा घुमाएंगे जरा कि किस तरह से जो है मीडिया का जमावड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेज का जमावड़ा है। देखिए अभी बैरिकेडिंग की जा रही है सड़क पर, क्योंकि पुलिस को ये अंदेशा है कि समर्थक पहुंच सकते हैं बड़ी तादाद में। लिहाजा आप देखिए बाहर की हलचल से देखते हैं, तस्वीरों को देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई है रेजिडेंस के आसपास। कल ही तेलंगाना से बड़ी तादाद में समर्थक पहुंचे थे, जो जंतर मंतर पहुंचे थे। आज भी वो तमाम समर्थक दिल्ली में हैं और कुछ जो महिला कार्यकर्ता है अंदर बंगले के अंदर मौजूद है, आवास के अंदर मौजूद हैं। कुछ देर पहले सुबह सुबह वो प्रदर्शन भी कर रही थी। तो आज जब 11 बजे के आसपास के कविता पूछताछ के लिए जाएंगी ईडी के समक्ष, तो हो सकता है कि आवास के बाहर बड़ी तादाद में जो समर्थक दिल्ली में जुटे हैं वो प्रदर्शन करें, प्रोटेस्ट करें जाहिर तौर पर। जी ठीक है, ब्रह्म प्रकाश दुबे, आप नजर बना के रखिएगा, आगे हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। 11 बजे का वक्त है जबकि कविता निकलेंगी और ईडी के दफ्तर जाएंगी, उस वक्त क्या हलचल होगी ये भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे।